हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ व्यापम का एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2024 के अंदर फॉर द पोस्ट ऑफ आर, दैट इज आर ए ई ओ। अब आर ए ई ओ क्या है यहाँ पर? ये है रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है। इस पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ है ऑन 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है। इस पेपर का पीडीएफ ऑफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसको आप देख सकते हैं वहां से। आज हम इस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, तो मैंने कोशिश करी है कि सभी क्वेश्चन के आंसर दूँ। अगर जो किसी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्षमा चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। और प्लीज आप उसके लिए फिर आप ऑफिशियल आंसर की को जरूर वेट करें, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2020-21, ये है आपका 3594 मिलियन टन। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIBSM? सो इसका फुल फॉर्म होता है, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर टू। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। सो इसमें पूछा गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन द रायपुर। ये कहाँ है? रायपुर के अंदर है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। सो द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन छत्तीसगढ़ इज द केनाल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ईयर 2023 इज अ ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल? दिस इज अप्लाइड ऑन द एसिडिक सॉइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेवन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन में आपसे पूछा है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। सो इट वॉज इनिशिएटेड इन द सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें तो 1974। सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द एग एंड पॉटरी प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच इज अ कवर क्रॉप? कवर क्रॉप होती है यहाँ पर काउपी। नहीं, एक सेकेंड, काउपी तो है ही आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का काउपी ही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग। कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग क्या होती है? दिस इज द चेंज इन नॉर्मल क्रॉप प्लानिंग टू मीट द वेदर एबनॉर्मेलिटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल वीड? सो पेरिनियल वीट जो 11वां क्वेश्चन है, इसका जो एग्जाम्पल है तो यहाँ पर रहेगा साइप्रस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बल्ब डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 2.65। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? सो यहाँ पर पीटर डी क्रेसेजेंसी, दैट इज द ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड सॉइल इज कॉल्ड एज द परकोलेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, क्रॉप ग्रोन टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप फ्रॉम द वेजीज ऑफ नेचर एंड ऑल्सो टू रेंडर सपोर्ट टू द क्रॉप इज कॉल्ड एज द ट्रैप क्रॉप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 16th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडिंग इन पैडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होगा डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन आर प्रेजेंट इन द इंडिया? दैट इज अ 15th, 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन छत्तीसगढ़ विच वेराइटी ऑफ राइस इज अर्न GI टैग? सो यहाँ पर रहेगा
ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, ए एंड सी, ठीक है। 18 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 नंबर में पूछा है रेट ऑफ सीड ऑफ बरसीम, दैट इज द 30-35 केजी पर हेक्टेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासाइट वीड ऑन द पर्ल मिलेट। सो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रिंगासेप, ठीक है, स्ट्रिंगासेप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, पोरोसिटी ऑफ अ क्ले सॉइल यूजुअली रेंजेस बिटवीन 40-60%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ओके, सी जी एस डब्ल्यू एम ए, सी जी दैट इज छत्तीसगढ़, और बाकी का फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पर जो होगा छत्तीसगढ़ स्टेट वाटरशेड मैनेजमेंट एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, मोल ड्रेन इज यूज्ड इन, मोल ड्रेन आपका हैवी सॉइल के अंदर इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सो द वैल्यू ऑफ सरफेस रेजिस्टेंस फॉर द रेफरेंस सरफेस इज डिफाइंड अंडर FAO methodology is 70 centimeter, okay, surface, okay, 24 का correct answer होगा 70 meter per second, ठीक है, option number B correct answer हो जाएगा। Now coming to the question number 25, which of the following is not a method of measurement of soil moisture, that is tensiometer, tensiometer रहेगा यहाँ पर correct answer, option number A यहाँ पर होगा correct answer। Question number 26, okay, 100 टन ऑफ टोमेटो वर प्रोड्यूस्ड इन 4 हेक्टेयर लैंड यूटिलाइजिंग इतना मीटर क्यूब ऑफ वाटर, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी यहां पर होगी 20 केजी पर हेक्टेयर पर एमएम, ठीक है। क्वार्टर्न यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फिर देखते हैं इसे, ओके, क्वेश्चन नंबर 27, क्वार्टर टाइम रूल इज एसोसिएटेड विद, 27वें क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फुरो इरिगेशन, ठीक है, द सॉइल विच रिक्वायर फ्रीक्वेंट इरिगेशन विद ए लो डेप्थ ऑफ वाटर पर इरिगेशन। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्ले, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, क्रांस टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन द सोर्गम, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, द प्रोसेस ऑफ सीड ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द वेलेबिलिटी एंड विगोरस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, फोटो रेस्पिरेशन इज हाई इन, तो यहां पर हाई कहां देखने को मिलेगा, इन शुगर केन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सो दैट इज द विंड वेन्स इज यूज्ड इन डिटरमाइन द विंड डायरेक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक मिनट, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 पे आते हैं, विच इज द रेनी क्लाउड, रेनी क्लाउड होता है निम्बोसेट्रस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन में। देन हम बात करें आगे, तो 33 के बाद 34 है, हाउ मेनी Calvin cycles are needed to produce one molecule of glucose, so that is 6. Option C यहाँ पर हो जाएगा question number 34 का correct answer. Now coming to the next question, question number 35. The center of cyclone in a calm area, it is called as the eye of the storm. Which greenhouse gas is linked with the rice crop, that is the methane? Option 4 यहाँ पर होगा या option D होगा यहाँ पर question का correct answer. Question number 37. साइंटिफिक नेम ऑफ टबैको कैटरपिलर इज, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 37 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38, सो वेयर इज द नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड, सो इन न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी होगा 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, सो ग्राम पोर्ट बोरर हेलवी कवरपा, हेली कवरपा
बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर यहाँ पर रहेगा मॉइस्चर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41, द साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड इंसेक्ट इकोलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग लाइंग साइट ऑफ पिजन पी पॉड फ्लाई, यहाँ पर रहेगा इनसाइड द, आई थिंक यहाँ पर जो 42 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इनसाइड पॉड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43, द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बाय यूज ऑफ इंटिमो पैथोजेनिक बैक्टीरिया फंगी वायरस एंड प्रोटोजोआ इज कॉल्ड एज अ, सो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज माइक्रोबियल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डैमेजिंग स्टेज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट फॉल वॉर्म आर्मी वॉर्म, सो दैट इज द लार्वा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, अ सॉइल हैव, ओके यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडिक सॉइल, ठीक है, सोडिक सॉइल इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट एज अ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, दैट इज द निकल, ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू द सॉइल टैक्सोनॉमी वर्ल्ड सॉइल आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी सॉइल ऑर्डर्स, सो 47 का यहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ओके ऑप्शन नंबर सी 12, ठीक है, 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑफ प्लांट ग्रुप ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिएंट इज टर्म्ड एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, सो 48 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइटेस्ट टेक्सचरल क्लास ऑफ सॉइल, सो 49 का करेक्ट आंसर होगा ऊपर ऑप्शन नंबर सी सिल्टी लूम, ठीक है, सिल्टी लूम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. यूनिट मास ऑफ ओवन ड्राई, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क डेंसिटी, बेसिकली ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, फॉस्फोरस फिक्सेशन विल बी मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, सो दिस विल बी मोर इन द क्लेई सॉइल. जिप्सम इज यूज टू अमेंड एंड रिक्लेम विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, सो 52 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एसिडिक सॉइल, ठीक है, 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा. अगला क्वेश्चन है 53, ए बी सी डी डीएनए शोज कॉइलिंग ऑफ राइट हैंडेड, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का. नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, सो न्यूक्लियस सीड इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रीडर सीड, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 55, सो व्हेन अ ब्लैक स्किन गर्ल मैरिड विद अ वाइट स्किन बॉय ऑल द चिल्ड्रेन विद अ मीडियम ब्राउन स्किन वर प्रोड्यूस्ड द सेग्रीगेशन इन F2 जनरेशन विल बी, दैट इज 1:7:1, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है. Now coming to the question number 56, in a maize, chromosome number is 2N equals to 20, then the endosperm, the chromosome number will be, okay, so 56 ka yahan par correct answer hoga, that is 30, estimate of hysteresis over the superior patent or a better patent is called as, 57 ka yahan correct answer hoga, aapka, ek second, so 57 ka yahan ka correct answer hoga, option number D. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हेट्रो बेल्टियोसिस, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. व्हेन अ प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरीन और अ बाय पैरामिडाइन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पैरामिडाइन इज कॉल्ड एज द, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्शन म्यूटेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 58 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, ओके, When two
व्हाइट फ्लावर्ड वेराइटी ऑफ पी वर क्रॉस्ड टूगेदर रिजल्ट रेड फ्लावर प्लांट इन एफ वन जनरेशन एंड एफ टू जनरेशन रीड रेड एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट सेग्रीगेट 7:9:7 रेशियो द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट विल बी 59 के यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहना चाहिए. ठीक है, ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 60. ए बी आर द लाइन ए बी एंड आर लाइन्स आर कंसर्न विद द सो दीज आर कंसर्न विद द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61. द वर्ड एम्पैथी वॉज फर्स्ट यूज इन 1920 बाई अमेरिकन साइंटिस्ट ई बी टीचर. दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर 61 का. ऑर्गेनाइज्ड एक्सटेंशन सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया विद द लॉन्च ऑफ टीवी टी एंड वी सिस्टम प्रोग्राम. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा 62 का करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ 62 के बाद 63. मेजर ऑफ गुडनेस और डिजायरेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज 63 का यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर होगा वैल्यूज. ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द 64. अ स्टेट ऑफ अनप्लीजेंट साइकोलॉजिकल टेंशन इज नोन एज द सो यहाँ पर सी होगा करेक्ट आंसर कॉग्निटिव डिसोनेंस. व्हाई हैड गिवन अ सिक्स फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल क्लास इन अ स्टडी ऑफ न्यू इंग्लैंड टाउन. तो 65 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा वार्नर एंड लंच. ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 66. द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पॉपुलरली इज नोन एज द ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा वृक्कपुटा. ओके, ठीक है, जो हिंदी में कहते हैं इसे. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं. की एलिमेंट इन अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लर्नर. ठीक है, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इमर्ज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑफ आई थिंक यहाँ पर देखिए इसमें इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है. चलिए डाउट है तो मैं छोड़ ही देता हूँ इसे क्वेश्चन को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ. सो हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है. अ सिचुएशन इन विच डिमांड शोज नो रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ प्राइस इज डिस्क्राइब्ड एज द सो दिस इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक डिमांड. ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70. द टर्म लैंड इंक्लूड्स ऑल द मटीरियल दैट नेचर प्रोवाइड टू मैन फॉर फ्री. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. बोथ एमपीपी एंड एपीपी कर्व्स इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट ये इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे से एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज. ठीक है, सेकेंड स्टेज के एंड पे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72. अ कर्व विच कनेक्ट्स द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन एट अ वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट इज तो 72 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है एक्सपेंशन पाथ. ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73. फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच कॉस्ट आर यहाँ पर रहेगा कॉस्ट ए टू प्लस एफ एल. इन द प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स वन और एक्स वन रिप्रेजेंट्स दिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 74. 75 नंबर क्वेश्चन. इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू हु गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ये डेफिनेशन किसने दी थी ये दी थी आपकी जैकब विनर ने. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76. द बजट लाइन मस्ट बी द बजट लाइन जो है मस्ट बी टेंजेंट टू द इनडिफरेंस कर्व. ठीक है, ओलेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विद फॉलोइंग ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर. सो 77 की बात करें तो यहाँ पर दिस इज रिलेटेड विद द वेजिटेबल प्रोडक्शन. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78. जर्मिनेशन ऑफ अ सीड while it is still remain attached with the parent source is called as 78 का यहाँ पर correct answer होगा option number C vivi peri. option number C is the correct answer. ठीक है, now coming to the question number 79. chimp is located in so
चिमप इज लोकेटेड इज द CIMAP है ना इन द लखनऊ. CPCRI ये लोकेटेड कहां पर है, केरला के अंदर है. ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81. WUE इज मैक्सिमम इन विच सिस्टम ऑफ इरिगेशन. ठीक है 81 का यहां पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में यहां पर मैक्सिमम देखने को मिलता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. प्रोट्री इज रिलेटेड टू, सो दिस इज रिलेटेड टू द नर्सरी. किनो मैंड्रीन इज अ क्रॉस ऑफ किंक इंटू 83 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलो लीफ. ठीक है 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नाउ 84 नंबर क्वेश्चन, पूसा नन्हा इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप. 84 की यहां पर बात करते हैं, सो दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, पपाया रहेगा करेक्ट आंसर. ठीक है ओके नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. ठीक है 85 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा स्टीरॉइड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा. सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्यूरिन बेस्ड विद द पिरिमिडाइन बेस्ड इज नोन एज. 86 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसवर्जन. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 के बाद 87, विच वन ऑफ द वन इज द मोस्ट स्टेबल काइंड ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल, दैट इज आरआरएनए. ठीक है आरआरएनए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा. 87 के बाद हम बात करते हैं 88 की, हिमिफिलिक मीन मैन मैरी विद द होमोजाइगस वुमेन हु इज नॉट होमोफिलिक, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन हैव होमोफिलिक, दैट इज अ 50% चांसेस है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, दैट इज द 89 का करेक्ट आंसर होगा यहां पर पेलेग्रा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैविंग ओनली वन जीनोटिक कोड, जेनेटिक कोड. सो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ट्रिप्टोफैन, दैट इज ऑप्शन डी यहां पर होगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग सुगर, नॉन रिड्यूसिंग सुगर इनमें से कौन सा है. सो 91 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सुक्रोज एंजाइम दैट डज नॉट कंटेन प्रोटीन. सो 92 की हम बात करें तो यहां पर रहेगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, लेंथ ऑफ गुंटूर चेन इज 66 फीट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है हमारे यहां पर क्वेश्चन नंबर 94, सॉइल इरोजन इज फॉलोड बाय, तो सॉइल इरोजन इज फॉलोड बाय रिल इरोशन. द बेस्ट मेथड ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन एरियाज हैविंग हाई विंड स्पीड एंड वाटर स्कैसिटी इज, सो 95 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा. ठीक है ओके नाउ कमिंग टू द 96 नंबर क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट मैकेनिकल मेजर फॉर कंटूरिंग सॉइल इरोजन इन एरिया हैविंग 3-10% स्लोप. ठीक है 96 का होगा ट्रेसिंग, ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द 96 के बाद हम 97 की बात करें, द मेन क्राइटेरियन ऑन द बेसिस ऑफ विच स्पायरल सेपरेटर सेपरेट द ग्रेन इज, सो 97 का यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राउंडनेस. द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस्ड मेथड फॉर वेजिटेबल ड्राइंग इन इंडिया इज, 98 का करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए सोलर ड्राइंग, ऑप्शन नंबर ए यहां करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 99, सो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज दैट इज द, यहां सारे रहेंगे सारे मेथड आपके डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं. नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का हमारा, ओके लास्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ओके यूनिफॉर्म मेजरमेंट ऑफ फ्लो वाटर क्यूमिक मीन्स, इसका मतलब होता है क्यूमिक का मतलब होता है क्यूबिक, दैट इज क्यूबिक फीट पर सेकेंड, राइट दैट इज ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ द छत्तीसगढ़ व्यापम ठीक है, एंड फॉर द पोस्ट ऑफ रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का पोस्ट था, 2024 के अंदर एग्जाम हुआ है
ऑन द डेट ऑफ 4th of February 2024 को, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। इफ इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।